हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा। सर्दियों के मौसम में गाजर के हलवे का अलग ही मज़ा होता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 2 किलो गाजर लिया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एकदम फ्रेश गाजर है ये। अब गाजर को हम लोग ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गाजर को ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब ग्रेट किए हुए गाजर को हम लोग प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं इसमें 400 ग्राम चीनी ऐड करूंगी। मैंने 2 किलो गाजर लिया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम चीनी डाला है। अब इसमें 1 ग्लास मिल्क ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद ढक्कन लगा देंगे। 2 सीटी तक इसे होने देंगे हम। 2 सीटी के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गाजर जो है वो बॉयल हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब हम बॉयल किए हुए गाजर को एक कढ़ाई में रखेंगे और जो ये पानी है उसे सूखने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है। अब जो हमारा गाजर है वो पानी सोख चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम 4 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक घी हमारी मेल्ट ना हो जाए। अब मैंने यहाँ 500 ग्राम खोआ लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोए को गाजर के साथ अच्छे से मिक्स करना है। तो हमारा गाजर का हलवा एकदम बन गया है। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।